जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है, थंबनेल आपने देख लिया होगा। हम बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रो या बायोटेक के बारे में कि ये फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, क्या स्कोप है, किसको करना चाहिए, किसके लिए ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, इसके कुछ प्रो और कॉन्स के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने पर्सनली खुद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, तो मुझे इसके बारे में डीप डाउन जितनी नॉलेज मतलब इस कोर्स के लिए होनी चाहिए वो कम्प्लीट मेरे पास है। तो मेरे एक्सपीरियंस से भी आप थोड़ी सीख ले सकते हैं। तो जनरली बताऊं बीएससी के बारे में, माइक्रो या बायोटेक, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि सर हम बायोटेक चूज़ करें या माइक्रो चूज़ करें। तो आपको एक बताता हूँ बिल्कुल सिंपल सा कि बच्चे आप माइक्रो चूज़ करो या बायोटेक चूज़ करो, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम कोर्स हैं। आपको 70-80% चीज़ें बिल्कुल सिमिलर देखने के लिए मिलेंगी दोनों ही कोर्सेज में। स्कोप की बात करें, स्कोप भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो किन लोगों को करना चाहिए, इसके ऊपर जाने से पहले ये बता दूँ कि दोनों ही कोर्स बीएससी माइक्रो में करो या बायोटेक में करो 3 साल का कोर्स है, कहीं किसी जगह मुश्किल से 4 साल का मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगह 3 साल का ये कोर्स है। और इसको आप CUET एग्ज़ाम देकर भी एडमिशन ले सकते हैं, CET देकर भी ले सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं डायरेक्ट भी इसमें एडमिशन लेते हैं। तो किन लोगों को करना चाहिए ये कोर्स, जनरली तो मैं मना करता हूँ कि आप मत करो इस कोर्स को, लेकिन किन लोगों के लिए करना चाहिए ये कोर्स, तो सबसे पहले बताऊँ जो लोग हायर रिसर्च में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले 3 साल का बीएससी करना पड़ेगा, 2 साल का एमएससी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 3-4-5 साल का पीएचडी करना पड़ेगा। तो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जिसको जाना ही रिसर्च में है उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इसके लिए बेस्ट कॉलेज में आपको बता दूं, तो कॉलेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक कॉलेज के बारे में मैंने अभी देखा था तो मुझे वो अच्छा लगा, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज का नाम है ABBS आचार्य बेंगलोर बिजनेस स्कूल। एंड बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ABBS फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बिजनेस का नाम यहाँ पर आया तो आप ये मत समझना कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस के कोर्सेज हैं, यहाँ पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स भी अवेलेबल है। तो इसमें और भी कोर्सेज हैं, मतलब LLB वगैरह है, MBA वगैरह है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। इस कोर्स को अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो इस कॉलेज से कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए होता है किसी भी स्टूडेंट को एक कॉलेज में, लाइक कॉलेज का एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंफ्रा होना चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, फैकल्टीज़ अच्छे होने चाहिए, और जब आपका कोर्स पूरा हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, प्लेसमेंट आपका हो जाए, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मतलब अप टू मार्क मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में आपको यहाँ पर कमी मिलेगी। अगर यहाँ से आप करते हो इस कोर्स को तो सबसे पहली बात है लाइक आपको रेगुलर लेक्चर्स, जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं सब टाइम पर, प्लस दूसरी बात ऐसा है कि कोर्स कंप्लीट होने के टाइम पर आपको अच्छा प्लेसमेंट दिलाएंगे, यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट आपको मिल सकता है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। और ABBS के बारे में ऐसा है कि आपको एक अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। स्टूडेंट की लाइफ में और क्या चाहिए होता है, एक अच्छा हॉस्टल मिल जाए रहने के लिए, कॉलेज का अच्छा एम्बियंस हो, प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, कोर्स लेकर आपको जो है मायूसी महसूस ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ABBS में मिल जाएंगी। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर भी ये कोर्स जो है 3 साल का होगा, और जो है 3 साल के इस कोर्स को करने के बाद अगर आप MBA भी करना चाहते हो तो इसी कॉलेज से कर सकते हो, इसी ABBS से कर सकते हो। तो यहाँ से MBA करने के बाद में आपको और अच्छे प्लेसमेंट मिल सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जो लोग BSc ऑप्ट करना चाहते हैं माइक्रो या बायोटेक में, कि आप MBA कर सकते हो, वहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट मिल सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इस कॉलेज के बारे में, लाइक कैसा है, कैसा एम्बियंस है, कुछ आपको यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह मैं दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे अच्छा लगेगा तो आप इसको मैं लिंक वगैरह जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसके बारे में ज़्यादा देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट वगैरह, इंस्टाग्राम का हैंडल वगैरह, आप इसके पिक्चर्स देखिए और स्टूडेंट लाइफ देखिए, हॉस्टल लाइफ देखिए, वर्चुअल टूर भी ले सकते हैं इसका आप। तो अभी चलते हैं हमारा थोड़ा सा और की और किन लोगों के लिए अच्छा है बीएससी करना जो मैं आपको बता रहा था। तो जिसके बारे में मैंने अभी बताया, तो प्राइवेट कॉलेज तो ये हो सकता है, गवर्नमेंट से आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपका मन करे, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। दूसरी चीज़ है इसमें, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ किन लोगों के लिए अच्छा है ये कोर्स बीएससी माइक्रो या बायोटेक। देखो, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया और वो कुछ करना चाहते हैं इस कोर्स में, तो उनके लिए सिंपल सा मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग
सिंपल सा गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो इसी फील्ड में, लाइफ साइंसेज के फील्ड में, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बीएससी करके चुपचाप गवर्नमेंट जॉब कर लो, तो अच्छा ऑप्शन रहेगा। प्राइवेट में अगर जाओगे तो सैलरी आपको अप टू मार्क नहीं मिलेगी, स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मांगेंगे। तो गवर्नमेंट ऑप्शन यानी गवर्नमेंट फील्ड में जिसको जाना है, गवर्नमेंट जॉब, वो इसको देख सकते हैं, हालांकि वैकेंसी थोड़ी कम ही रहती हैं। इसके बाद बात करते हैं और किसके लिए है ये कोर्स, और किसके लिए अच्छा हो सकता है। तो जिन लोगों को हायर एकेडमिक्स में जाना है, समथिंग लाइक अगर आपको बीएससी कर लिया, आपने एमएससी कर लिया, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, आप रिसर्च में नहीं जाना चाहते, आप बीएससी वालों को पढ़ाना चाहते हो, आप एमएससी वालों को पढ़ाना चाहते हो, आप जो है पीएचडी वालों को पढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए ये फील्ड अच्छी रहने वाली है। बीएससी करो, नेट जेआरएफ दो, एमएससी करो, पीएचडी दो और आप इस फील्ड में चले जाओ टीचिंग में, हायर एकेडमिक्स, तो उनके लिए भी ये कोर्स अच्छा हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें मेरी नज़र में, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप इस कोर्स में जाते हो तो इसी में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट करने के लिए जाओगे तो आपको स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ेगा, यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी कम मिलेगी और इस चीज़ में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तीन चीज़ बताए हैं अच्छे बेनिफिट्स हैं, इनमें अगर आपने एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हो तो आप इधर जा सकते हो। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ किन लोगों के लिए ये कोर्स नहीं है। तो सबसे पहली बात, जो लोग जो हैं लाइक इतना लंबा स्टेप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप इसकी जगह कुछ बीपीटी वगैरह कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर जो लोग मतलब कि गवर्नमेंट जॉब जिनको करनी ही नहीं है तो वो मत करना इसको, क्योंकि क्या करोगे गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं करनी है तो, फिर कुछ और कहीं बिजनेस में ध्यान लगाओ। या जो लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं लाइक, उन लोगों के लिए ये कोर्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें क्या बिजनेस करोगे, क्या लाइसेंस मिलेगा आपको बीएससी के ऊपर। तो ये थोड़ी सी कुछ इसके कॉन्स भी हैं, हालांकि अच्छी चीज़ें भी हैं इसके बारे में। तो अगर आपको जो मैंने तीन चीज़ बताई हैं अगर वही करना आप चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। कुछ प्रो की बात करते हैं, कुछ कॉन्स की बात करते हैं। चलिए देखो प्रो क्या है। सबसे पहली बात, बीएससी माइक्रो से करोगे या बायोटेक से करोगे, इजीली कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बैक आ गई, फेल हो गए, इजीली पास कर लोगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। एक प्रो इसका ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर जैसे एमबीबीएस वाले होते हैं ना, हमेशा डिप्रेशन से हमें घूमते रहते हैं, वो आपके साथ यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि आपकी जब जॉब के लिए जाओगे वो होगा, लेकिन उस टाइम पे आपको नहीं होगा, मतलब इजीली पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी, प्रोफेसर ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं और अच्छे से पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है। एक प्रो इसका ये हो सकता है कि आपको यहाँ से नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करने के लिए मिलेगी। माइक्रो से करो, बायोटेक से करो, बहुत तगड़ी, मतलब भर भर के नॉलेज है, इतना नॉलेज है गैदर नहीं कर पाओगे। अगर आप लिटरली सीखने वाले हो, आपको चीज़ें पसंद हैं, सीखना पसंद है, तो इतनी नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी कि आपका मन भर जाएगा, नॉलेज खत्म नहीं होगी। माइक्रो इतना बड़ा फील्ड है, बायोटेक इतना बड़ा फील्ड है, ये इसका एक प्रो हो गया। कॉन्स क्या है इसके, देखो कॉन्स इसका एक ये है, अगर आपने बीएससी कर लिया, माइक्रो से कर लिया या बायोटेक से कर लिया, तो आप कहीं जॉब के लिए जाओगे, गवर्नमेंट फील्ड में जाओगे, अप्लाई करोगे, तो वहां पर जिस जॉब के लिए माइक्रो और बायोटेक वाले अप्लाई करने चाहिए थे सिर्फ, वहां पर वो जूलॉजी वालों को भी बढ़ा देंगे जॉब एलिजिबिलिटी में, बायोकेम वालों को भी बोल देंगे, एग्रीकल्चर वालों को भी बोल देंगे, मतलब एक ही जॉब के लिए सब आ गए, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो इस फील्ड में ग्रेजुएट अभी ज़्यादा हो रहे हैं थोड़े से, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है ओवरऑल, ठीक है। एक ये बात हो गई। एक कौन क्या है इसमें कि इसमें आपको कोई आपका जैसे कि बी फार्मेसी वगैरह करके लाइसेंस मिलता है ना, अपना बिजनेस करने के लिए फार्मेसी वगैरह लगा सकते हो, इसमें आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कुछ, लेकिन बिजनेस जिसको करना होता है उसको क्या कोर्स की पड़ी है, वो तो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, हज़ारों लाइसेंस मिल जाते हैं। तो इसका एक चलो ठीक है, इसको कौन में रख सकते हैं, हालांकि कोई इतना बड़ा वो नहीं है। सो गाइज, अगर बीएससी माइक्रो और बायोटेक करना चाहते हैं आप लोग, तो मैंने जो तीनों ऑप्शन बताए हैं, अगर उनमें से आपकी कोई एक विश है तो आप इसको ऑप्ट करिए, अदरवाइज और ऑप्शंस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बीएससी माइक्रो एंड बायोटेक फॉर योर फ्यूचर, अगर चूज करते हैं तो कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए अच्छे जॉब अपडेट्स के लिए, अच्छे नोटिफिकेशंस के लिए और काम की जानकारी के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।